नमस्ते दोस्तों, मैं कामिनी आपका ढेर सारा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल उजाले की नई आशा में। दोस्तों, अपना ख्याल रख रहे हो ना? अपना ख्याल जरूर से रखिए, क्योंकि अपना ख्याल रखोगे तभी तो हम अपनों का ख्याल रख पाएंगे, है ना? दोस्तों, आज का टॉपिक लेके आई हूँ, बच्चों के अंदर किताबें पढ़ने की आदत कैसे विकसित किया जाए। इंसान की सबसे अच्छी दोस्त किताबें होती है। अगर पेरेंट्स को अपने बच्चे में किताबें पढ़ने की आदत डेवलप करनी है तो पहले खुद किताब पढ़ने की आदत विकसित करनी चाहिए। रीडिंग हैबिट्स, बच्चों को किताबें पढ़ने की हैबिट्स पड़ गई तो उनके विकास में बहुत सहाय होगी। बच्चे जब किताबें पढ़ने लगते हैं तो उनके अंदर सोचने और समझने की शक्ति बढ़ती है। शुरुआत में 5 से 7 साल के बच्चे ज़्यादातर अपनी माँ के साथ रहता है, इसलिए बच्चे पर ज़्यादातर असर माँ का पड़ता है। शुरुआत में ही बच्चे में अच्छी आदत डेवलप करें, बच्चे को किताब पढ़ने की आदत विकसित की जा सकती है। बच्चों में किताबें पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए बच्चों को कलरफुल किताब और रंगों से भरी किताब लाकर दे सकते हो। आप खुद उनके सामने रीडिंग करें, बच्चा आपकी नकल करने की कोशिश करेगा। ऐसा करने से बच्चों का शब्दों का सही उच्चार करने की ताकत मिलेगी। किताब पढ़ने से वह जल्दी बोलना और पढ़ना सीखेगा। बच्चों का नकल करना अच्छा लगता है, बड़ी प्यारी नकल करते हैं, उससे धीरे धीरे आदत विकसित होगी। किताबों का चुनाव बच्चों की उम्र के अनुसार करें। छोटे बच्चों को प्लास्टिक रंगीन कलरफुल बुक दे। जब बच्चा अक्षर और अल्फाबेट पहचानने लगे उसे ऐसी किताब लाकर दे जिससे बच्चा आसानी से हिंदी और इंग्लिश के अक्षर को समझ पाए। जब बच्चों में अक्षरों का ज्ञान हो जाए तब उस शब्दों से परिचित कराए। बाल कहानियों के माध्यम से किताबों से दोस्ती कराए। बच्चों को कहानियाँ बहुत अच्छी लगती है। पेरेंट्स को अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाते रहे। बाल कहानियों की किताब ला कर दे। कहानियाँ पढ़ने में बच्चों को मजा आता है, इसमें उसके पढ़ने की आदत बढ़ेगी। कहानियाँ बच्चों को आनंदित करती है। बच्चे कहानियाँ बड़ी सब्र से सुनते हैं। बच्चे सुनना, कल्पना करना, कहानी के पात्र व घटनाक्रम याद रखना जैसी चीज सीखता है। बच्चों की एकाग्रता व स्मरण शक्ति बढ़ती है। बच्चों को किताबों की दुनिया से परिचित हो जाए तो वो उसी में रच बस जाता है। किताबें बुक उपहार में दें। बच्चों को तोहफे हमेशा अच्छे लगते हैं। बच्चों का जन्मदिन हो या कोई रसप्रद, बच्चों को किताबें उपहार में दें और उनके दोस्तों को उपहार देने का महत्व समझाए। बच्चों को किताबें उपहार में देते समय को खुशी से मनाए। बच्चों कहानियां कहने को प्रोत्साहित करें। कहानी कहने की कला किताब पढ़ने के बाद याद रखने की कला है। बच्चों को अपनी काल्पनिक दुनिया को भी कहानी के रूप में कहने की प्रोत्साहित करें। बच्चों को किताबें पढ़ने से रचनात्मक पंख मिल जाते हैं। स्टडी रूम, पढ़ने का स्थान बैठक या पास या बालकनी में सीधी रोशनी के नीचे या स्टडी रूम में हो सकता है। पढ़ने की जगह पर भरपूर रोशनी लाइट का होना अति जरूरी है जिससे आपकी आंखों पर बोझा न पड़े। पढ़ाई को गेमिंग की तरह मज़ेदार बनाएं। आप अपने बच्चे को पढ़ने की हैबिट देना चाहते हो तो आप खुद भी पढ़ने की आदत डालें। किताब पढ़ने की रूटीन में शामिल करें। बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है रोजाना किताब पढ़ने में उसे उसका साथ दें।
बच्चे की पढ़ाई लिखाई एक गेमिंग की तरह डिजाइन करें जिससे बच्चों का मन लगा रहेगा और बच्चों को मजा आएगा। उदाहरण रूप बने, माता पिता नॉन रीडिंग होते हैं तो बच्चों में मोटिवेशन करना मुश्किल है। बच्चों को किताबें पढ़ने की आदत डालना चाहते हो तो माता पिता को खुद किताब पढ़ने की आदत डालनी होगी। खुद किताब पढ़ेंगे, बच्चे वही करते हैं जो वो देखते हैं। बच्चों को बुक लाइब्रेरी लेकर जाए, बुक लाइब्रेरी बच्चों को किताबें पढ़ने की आदत को विकसित करता है। बच्चों को हमेशा वीकेंड पर अच्छी पुस्तकालय में ले जाए। किताबों को देखकर बच्चा अपनी रुचि की कुछ बुक चुन पाएगा। आप विभिन्न पुस्तकों से भी बच्चों का परिचय कराएं। लाइब्रेरी में लोगों को पढ़ते देख के प्रोत्साहित होते हैं। दोस्तों, मेरी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलो कुछ नया करें, अपनी लाइफ को और बेहतरीन बनाएं। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना। फिर मिलती हूँ नए टॉपिक लेके, नई जानकारी लेके। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।